देख रहे हैं सिटी ऑफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए अग्निशमन विभाग का एक मॉक ड्रिल जो है वह V2 में चल रहा है। देखिए हम पीछे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऊपर में जो है वह आग लगी हुई है और नीचे में देखिए अग्निशमन विभाग के जो टीम है वह आग को बुझाने में लगी हुई है। इधर देखिए हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप आगे आइए, कैमरामैन को आगे बुलाया जा रहा है, आइए आइए चलिए जाने दीजिए, चालू रखिए। देखिए देखिए अब जो है वो आग लगने की जो प्रक्रिया है जो मॉक ड्रिल में दिखाया जा रहा है कि अग्निशमन विभाग की टीम जो है वह ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद इन लोग आग बुझाने का जो प्रक्रिया है वह करेगी। तो हम चलते हैं और वह मॉक ड्रिल जो है वह दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे मॉक ड्रिल किया जाता है, जब आग लगेगी तो कैसे उसे बुझाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो अग्निशमन विभाग की जो टीम है वह देखिए किस प्रकार से अलर्ट मूड में है और देखिए किस प्रकार से देखिए जांच कर रही है। देखिए इस प्रकार से जो है वह आग लगने के बाद जो है वह मॉक ड्रिल देखिए इस प्रकार से होती है। हम साफ तौर पर वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आग को कैसे बुझाना है, वह भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम कैमरामैन से साफ तौर पर कहेंगे कि देखिए जब आग लगती है तो आग को बुझाने के लिए इस तरह से प्रयास किया जाता है अग्निशमन विभाग के टीम के द्वारा। और देखिए जब जो कैजुअल्टी है, जो कोई अगर घटना घट जाता किसी के साथ खोज रहा था, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए अग्निशमन अभी जो मान ली यहाँ रेस्क्यू टीम द्वारा कैजुअल्टी खोजा जा रहा है अग्निशमक द्वारा, अभी सर्च जारी है कहाँ कहाँ कैजुअल्टी फंसा हुआ है उसके बारे में अभी सब हमारा रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रहा है, इसमें खोज रहा है। देखिए हम बता दें आपको कि औरंगाबाद जिले में लगातार जो है कई मॉल, कई दुकान, कई बड़े बड़े दुकानों में आग लगने की घटना घटी थी। उसके बाद से अग्निशमन विभाग जो है वह सकते में आई है और V2 मॉल जो औरंगाबाद में स्थित है वहाँ मॉक ड्रिल कर रही है या बताने का प्रयास कर रही है कि अगर किसी भी हाल में अगर आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए कैसे जो है वह अग्निशमन की विभाग की टीम जो है वह कार्य करती है, वह दिखाने का प्रयास कर रही है कि इस प्रकार से देखिए इन लोग मेहनत करते हैं और जो लोग फंसे होते हैं उन लोगों को बचाने के लिए देखिए इस प्रकार से कार्य किया जाता है। लोग जो है अग्निशमन विभाग की जो जवान हैं, कर्मी हैं, वह इस तरह से कड़ी मशक्कत करने के बाद लोगों को बचाने का कार्य करते हैं। चलते हैं और कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस प्रकार, देखिए ज़मीन पर लेट करके अपने सिलेंडर को ले लेते हैं, इसमें गैस भरा पड़ा है, जहाँ कहीं आग लगी होती है उसे बुझाने का प्रयास किया जाता है और बुझाने में सक्सेस होते हैं लोग। इसी प्रकार से जो है वह आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। औरंगाबाद का सबसे बड़ा मॉल जो है वह V2 है और V2 में ही यह मॉक ड्रिल की जा रही है। चलते हैं हम ऐसे पदाधिकारियों से बात करते हैं, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ है। देखिए साफ बता रहे हैं इन लोग कि एक कैजुअल्टी जो है वह नीचे फंसा हुआ है, उसे बचाने के लिए देखिए हम वीडियो में साफ तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीढ़ी से देखिए उतर रहे हैं लोग। और इसी तरह से अगर आग लगती है किसी भी बड़े मॉल में या किसी भी बड़े बिल्डिंग में तो इस तरह से अग्निशमन विभाग की टीम जो है वह कार्य करती है। तो हमारे साथ एक कर्मी हैं, वह अभी मॉक ड्रिल करके आ रहे हैं, उनसे क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार जी। हेलमेट ऊपर चढ़ाइएगा, थोड़ा सा बात करेंगे आपसे, ऊपर चढ़ाइए ना हेलमेट। सर अच्छा ठीक, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की, क्या तैयारी चल रही है? अभी खोजा जा रहा है, अभी जितने भी मतलब यहाँ पे इस मॉल में कोई बेहोश पड़ा हो हमारे रेस्क्यूअर खोज रहे हैं, अभी वो लगातार जारी है। अभी एक महिला की मिली हुई है वहाँ पे, देखिए इधर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए एक व्यक्ति जो है वह आग में जल गया है जिसे रेस्क्यू टीम के द्वारा, और हाँ एक कैजुअल्टी देखिए एक महिला जो है वह आग लगने के बाद से इस तरह से जो है वह ये हो जाती है, तो वह कैजुअल होने के बाद अग्निशमन विभाग की जो टीम है उसे इस प्रकार से बचाया जाता है और लगातार देखिए इस प्रकार से बचाने के प्रयास करती हैं। और उसके बाद जो है वह टीम के सदस्य आते हैं और उसे बाहर निकाला जाता है। अभी ये चेक कर रहे हैं कि बेहोश हैं तो किस अवस्था में हैं और क्या कुछ इनका हुआ है। अब इन्हें जो है वो इनके टीम के, देखिए टीम के सदस्य जो आए अब इस कैजुअल्टी को उठा करके कैसे देखिए इसको उठाते हैं, वह अभी देखिए साफ तौर पर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्ट्रेचर लगा लिए हैं और स्ट्रेचर पे लाद करके
स्ट्रेचर पर लादेंगे और लाद करके जो है अब ले जाएंगे। इसी प्रकार से जो है वह आग लगती है किसी भी बड़े संस्थानों में, बड़ी मॉल में, तो वह इसी तरह से बचाया जाता है। देखिए हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है वह अग्निशमन विभाग की टीम जो है वह लगातार इसी तरह से कार्य करती है और जो व्यक्ति जले हुए होते हैं या फंसे हुए होते हैं आग में उसे इस तरह से बचाते हैं। और लगातार देखिए इसी तरह से यह मॉक ड्रिल जो है वह चलाया जा रहा है। हम दर्शकों को बता दें कि यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह मॉक ड्रिल कराई जा रही है, यह कोई ओरिजिनल घटना नहीं है। यह घटना इस तरह से घटना होती है उसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि जब बड़ी घटना कोई घटे, आगलगी की घटना, तो इस प्रकार से जो है वह अग्निशमन की टीम बचाती है। देखिए किस प्रकार से स्ट्रेचर पर लाद करके उक्त कैजुअल्टी को लाया जा रहा है और उसे सीधा एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, तो वह भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए किस प्रकार से जो है वह ले जाएंगे और इसे एम्बुलेंस में ला देंगे। और उधर देखिए बाहर में जो अग्निशमन विभाग की जो दो गाड़ी है वह लगातार जो है वह आग बुझाने में लगी हुई है और मॉक ड्रिल को देखने के लिए जो है वह लगातार जो वह लगातार दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से ले जा रहे हैं और उसे डॉक्टर की टीम के पास ले जाया जा रहा है और ले जा करके उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा और यहाँ जो है वह डॉक्टर की टीम लगी हुई है वह दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से ये काफ़ी जो है वह मॉक ड्रिल लगातार की जा रही थी। हमारे साथ इस अग्निशमन विभाग के एक पदाधिकारी हैं, उनसे ये बात करें क्या कुछ सर मामला है, पदाधिकारी वो हैं तो चलते हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि यह जो मॉक ड्रिल थी वह क्यों की गई, क्या कुछ सर कार्यक्रम था आज आपका। आज जो था ना ऑल बिहार में ये मॉल में या बड़े बड़े संस्थान में ये डेमो दिखाना था मॉक ड्रिल, इससे जैसे कि जितने भी लोग हैं जनता हैं सब जागरूक हो जाएं, जैसे आग की घटना होती है उसमें बहुत तरह की कैजुअल्टी होती है, उसको किस तरह से निकाला जाएगा, उसको किस तरह से बचाया जाएगा, ये सरकार के अभियान है। इस तरह से हम लोग जैसे कि दाऊद नगर भी V2 में ये डेमो दिखा रहे हैं, जिससे कि इससे मैंने पड़ोस में जितने भी जनता है वो लोग भी देखे कि अगर सर अगर आग लगती है सर तो शुरुआती दौर से अंत तक क्या कुछ किया जा सकता है, उसमें बचाव बहुत तरह के है। एक पानी के है, पानी से बचाव किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों से बचाव किया जाता है। उसके बाद जैसे कि यदि उस स्थल में यह कोई व्यक्ति का कैजुअल्टी होती है तो उसको कैसे रेस्क्यू करके उनको बचाया जाता है, उनको स्वास्थ्य केंद्र, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से भेजा जाता है, साथ में एम्बुलेंस भी आ जाती है तो एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जाता है, एम्बुलेंस आ करके उनको तुरंत जैसे कि ट्रीटमेंट के लिए अपना स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण के तौर पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं सर कि जैसे V2 मॉल के दूसरे तल्ले पर आग लग जाती है, अग्निशमन विभाग को सूचना होती है, उसके बाद जब आप लोग आते हैं तो कैसे उसको रेस्क्यू करते हैं? उसमें जैसे कि हमारे पास सीढ़ी है सर, सीढ़ी के माध्यम से उसमें घुस जाते हैं और सीढ़ी के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से उसको जैसे कि हम लोग बचाए का काम करते हैं, बचाते हैं। तो देखिए हमारे साथ अग्निशमन विभाग के एक पदाधिकारी थे गुरु हादसा, जो हमें सब कुछ बता रहे थे। औरंगाबाद के V2 मॉल में जो है अभी आप देख रहे थे कि मॉक ड्रिल किया जा रहा था कैसे अगर आग लग जाती है तो बचाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला अग्निशमन पदाधिकारी विनय कुमार सर, जो मॉक ड्रिल के समय V2 में मौजूद हैं और अपने कर्मियों को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार से आग लगती है तो कैसे हम उसको रेस्क्यू करें। सर क्या कुछ कार्यक्रम है? अग्नि के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए और अभी जो पाल होटल पटना में आग लगी थी उसमें करीब 6 लोग मर गए थे और बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों को मतलब उपाय करना पड़ा था, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। V2 के जो मैनेजर हैं चंदन सिंह, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि उनके जो मॉल में है वह लगातार जो तो अग्निशमन विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा था, क्या कुछ सीखे सर आप? बेसिकली इससे सीखे कि अगर हमारे यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होता है जैसे आग जैसी घटना आमतौर पर हो रही है, अभी हमारे
इसी आग लगने के अभी कंटिन्यू कहीं ना कहीं लग रहा है, इससे हम ये सब कैसे हम इससे बचाव कर सके, उसे प्रिकॉशन ले सके। इसे जैसे अभी आपके इन्होंने मॉक ड्रिल किया तो हमारे मतलब जितने स्टाफ है वो भी इसी को समझ सके अगर इस सिचुएशन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ ये इस मॉक ड्रिल से हमें सीखने को मिला है। हाँ जी, देखिए चंदन जी बता रहे थे कि मॉक ड्रिल से हमारे जो स्टाफ थे वह विकट परिस्थितियों में आपदा में कैसे बचें वह सीखे हैं, और सीख करके आने वाले समय में अगर कभी इसी प्रकार की घटना होती है तो उस घटना से इस घटना मॉक ड्रिल से सीख करके और उस घटना में ये अपने कार्य कुशलता का परिचय देंगे और आग से कैसे बचा जा सके वह सीख करके इन लोग उस समय अपना दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। आज का प्रोग्राम बेसिकली अच्छा ही था, बिकॉज इससे सीखने को बहुत कुछ मिला कि हम भी एक्चुअली जान दें कि इस सिचुएशन हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना होगा। अभी हम उस टाइम हमारी एक आग लगने की घटना हमारे प्रीवियस मंथ में हुई थी यहाँ पे बगल में, तो हमने वो इंसिडेंट को देखा था, बहुत ही ज़्यादा भयावह था। अब इस सिचुएशन से हमें ये सीखने को ये मिल गया, जैसे ये अपने आपने मॉक ड्रिल किया इससे हमारे सारे स्टाफ भी सारे अवेयर हो गए कि हम इस सिचुएशन में क्या करें और क्या करना चाहिए, इससे हमारे जान हमारे सामान संपत्ति की रक्षा हो सके, उसके चक्कर में हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के थ्रू हमें मिल गया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास था आप लोगों का, इसके लिए मैं अप्रिसिएट करना चाहूँगा आप लोगों को। यह जो वीडियो आप अभी देख रहे थे यह कोई सच्ची घटना पर आधारित नहीं थी, यह एक मॉक ड्रिल थी, यह एक उदाहरण पेश किया जा रहा था कि अगर किसी प्रकार से शहर में किसी भी दुकान किसी भी मॉल में आग लगती है तो उसे हम कैसे बुझाते हैं और फंसे हुए लोगों को कैसे हम रेस्क्यू करते हैं।